नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। चुनावों से पहले हिंदू मुस्लिम करने वाले सपा नेता आजकल जनता को रुझाने के लिए नई नई बयानबाजी कर रहे हैं। इस बार सपा प्रत्याशी अशफाक डब्लू का मुसलमानों पर एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसने यूपी में मुसलमानों को भी हैरान कर दिया है। आखिर ऐसा क्या बोल गए हैं सपा के अशफाक, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अशफाक डब्लू ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान समाज के लोग भी भगवान राम के वंशज हैं। अचानक सपा नेता के बदले सुर से हर कोई हैरान रह गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। मुस्लिम तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? अरे आप कहते हैं जय जय श्री राम, हम भी श्री राम के वंशज हैं भाई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अशफाक डब्लू के इस बयान से समाजवादी पार्टी की भी चिंता बढ़ गई है, जबकि आम लोगों के लिए ये आश्चर्य का विषय बन गया है। दरअसल अशफाक डब्लू वाराणसी के शहर उत्तरी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में वो अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने निकले थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान भी भगवान राम के वंशज हैं। हम मुस्लिम हैं तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? आप कहते हैं जय श्री राम, हम भी भगवान राम के वंशज हैं। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी के द्वारा दिया गया बयान काफी चर्चा में है। एक तरफ जहां इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता किनारा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अन्य सियासी पार्टियों को इस बयान ने आश्चर्य में डाल दिया है कि अचानक सपा नेता के सुर कैसे बदल गए। इस बयान को लेकर अयोध्या से वाराणसी पहुंचे छावनी परिषद के पीठाधीश्वर स्वामी परमहंस ने कहा कि राम के अस्तित्व को अगर किसी ने स्वीकार किया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाला राम के अस्तित्व को कैसे मान लेता? अगर वो राम के वंशज हैं तो उन्हें सपा में शामिल होना ही नहीं चाहिए था। ये बयान सिर्फ वोट के लिए है। सपा नेता के इस बयान को अब सियासी एजेंडा भी बताया जा रहा है और लोग उन पर जमकर तंज कस रहे हैं। सपा नेता मुसलमानों को राम का वंशज बताकर फंस गए हैं, जहां एक और परमहंस ने उन पर तंज कसते हुए कहा है कि उनका ये बयान सिर्फ वोट बैंक के लिए है, अगर वो राम के वंशज हैं तो उन्हें सपा में शामिल होना ही नहीं चाहिए था। तो दूसरी तरफ लोग भी उनके इस बयान को सियासी एजेंडा बता रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।